दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। अंग्रेजों को क्रिकेट खेलना बेहद ही पसंद था, इसलिए उनका जिन जिन देशों पर शासन रहा है उन देशों में आज क्रिकेट काफी प्रचलित है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में भी क्रिकेट का प्रचलन हुआ। उस समय भारत में जातिवाद और छुआछूत अपने चरम पर था, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार सिर्फ ऊंची जातियों के लोगों को ही क्रिकेट खेलने का अधिकार था। सही मायने में कहा जाए तो भारत जातिवाद के कारण बहुत कुछ खोता जा रहा था। अब प्रूफ के तौर पर क्रिकेट में ही देख लीजिए कि एक ऐसा सुरमा छुपा हुआ था जो नीची जाति का होने के कारण अपना टैलेंट नहीं निखार पा रहा था। हम बात कर रहे हैं पलवांकर बालू के बारे में, एक ऐसा नाम जिसने मौका पाते ही अपने चमत्कारी खेल से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय हिंदू टीम को जीत दिलाई थी। भारतीय क्रिकेट को निखारने में पलवांकर बालू का बड़ा योगदान था। भारतीय क्रिकेट का पहला हीरो यही खिलाड़ी था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसे गुमनाम कर दिया गया। जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पिता सर डॉन ब्रैडमैन को वेस्टइंडीज क्रिकेट का पिता एवर्टन विक्स को कहा जाता है, वैसे ही भारतीय क्रिकेट का पिता रंजीत सिंह को कहा जाता है। लेकिन सही मायने में इसका हकदार पलवांकर बालू ही थी, जिसको नीची जाति होने के कारण ये सम्मान छोड़ना पड़ा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब उस समय सिर्फ ऊंची जातियों के लोगों को ही क्रिकेट खेलने का अधिकार था तो फिर पलवांकर बालू क्रिकेटर कैसे बने। इसका एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, पलवांकर बालू का जन्म 19 मार्च 1876 को कर्नाटक में हुआ था। वह दलित की श्रेणी में आते थे और चमार जाति से संबंध रखते थे। भारत में सदियों से जातिवाद चलता आ रहा है और क्रिकेट में तो सिर्फ बड़े जातियों का ही राज चलता था। कुछ लोग दावा करते हैं कि आज भी भारतीय क्रिकेट में जातिवाद है, हालांकि कुछ लोग इसे नकारते भी हैं। चमार जाति का होने की वजह से पलवांकर बालू का क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं बैठता था, लेकिन उन्हें क्रिकेट टीम में रखना एक बड़ा मजबूरी था। आप में से कई लोग लगान फिल्म को जरूर देखे होंगे, उसमें एक कचरा नाम का खिलाड़ी होता है। पलवांकर बालू और कचरा के कहानी में काफी मेल खाता है। यूं कहा जाए तो इस फिल्म में पलवांकर बालू का ही कहानी कचरा के किरदार में दिखाया गया है। पलवांकर बालू का परिवार चमड़े का काम करते थे, लेकिन इनके पिता अंग्रेजी शासनकाल में सेना में थे, जिसके वजह से इन्हें कुछ अच्छे काम मिले। उस समय भारत में धर्म आधारित टीमें हुआ करती थी, जिसमें पारसी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शामिल थी। शुरुआत में पलवांकर बालू मजदूर के तौर पर पारसी क्लब के लिए क्रिकेट पिच तैयार करते थे। फिर 17 साल की उम्र में वो पुणे चले गए, जहां वे यूरोपियन क्रिकेट क्लब के लिए प्रैक्टिस नेट्स लगाते थे और पिच को साफ करते थे। नेट्स में लंबे समय तक प्रैक्टिस के लिए बाहरी गेंदबाजों की जरूरत होती है। एक दिन यूरोपियन बल्लेबाज मिस्टर ट्रॉस और ग्रेग ने दिमाग लगाया कि ये जो मजदूर है, इसी से नेट्स में गेंद डलवा ली जाए ताकि हम लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सके। ऐसे में उन्होंने पलवांकर बालू को बॉल डालने के लिए प्रेरित किया। बालू ने जैसे ही बाएं हाथ से बॉल डाला, इनके हाथ से एक जादू भरी गेंद निकली। उस गेंद में एक अलग ही स्विंग और टर्न दिखा और यही जन्म हुआ एक महान स्पिनर का। अंग्रेज जो पुराने किट को छोड़ देते थे, उसी से बालू प्रैक्टिस किया करते थे। हालांकि कुछ दिन अंग्रेजों के टीम के साथ रहने के बाद पलवांकर बालू ने इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज उन्हें केवल गेंदबाजी ही करने देते थे, बल्लेबाजी वो खुद करते थे। पहले क्रिकेट में सिर्फ अभिजात वर्ग के लोग ही बल्लेबाजी करते थे, मजदूर क्लास लोगों को सिर्फ गेंदबाजी मिलती थी। हालांकि इस वक्त तक देश में पलवांकर बालू एक बड़ा नाम बन चुका था और उन्हें भारतीय क्लब टीमों में शामिल करने के लिए कई लोग आवाज उठा रहे थे। हालांकि उन्हें अछूत कहकर हिंदू टीम में शामिल नहीं किया जा रहा था, परंतु उसके टैलेंट के आगे हिंदू जिमखाना टीम को उन्हें टीम में शामिल करना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ब्रिटिश टीम के मुकाबले हिंदुओं की टीम काफी कमजोर होती थी। लेकिन पलवांकर बालू को शामिल करते ही हिंदुओं की टीम अंग्रेजों के बराबर बन गए थी। सन 1906 में पहली बार पलवांकर बालू के शानदार स्पिन के बदौलत ही हिंदुओं की टीम हिंदू जिमखाना ने अंग्रेजों को हराने में सफलता पाई थी। उस समय प्रथम श्रेणी के मैच ही होते थे। इस खिलाड़ी का बेहद ही असाधारण रिकॉर्ड रहा है। पलवांकर बालू ने प्रथम श्रेणी के 33 मैचों में 15 की शानदार औसत से 179 विकेट लिए हैं। इसमें 17 बार 5 विकेट भी लिए थे। यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उस समय नारियल की रेशे से बनी चटाई के पिच पर मैच होता था। मिट्टी के नेचुरल पिच पर उनसे बड़ा खतरनाक स्पिनर कोई नहीं था।
पलवांकर बालू निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते थे। पलवांकर बालू ने देश के लिए खेलते हुए कई अविश्वसनीय रिकॉर्ड भी बनाए थे और देश को जिताने तथा भारतीय क्रिकेट को ऊपर लाने के लिए अपना एक तरफा योगदान दिया था। इसके बावजूद भी राष्ट्रवाद पर जातिवाद भारी पड़ गया। देश के लिए खेलने वाले पलवांकर बालू को दबाकर अंग्रेजों के लिए खेलने वाले रंजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पिता मान लिया गया। 1934 में रंजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, लेकिन रंजीत सिंह ने तो किसी भारतीय क्लब के लिए खेला ही नहीं था। उन्होंने 15 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए खेले थे। प्रथम श्रेणी के सारे मैच उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज और ससेक्स क्लब के लिए खेले थे। इसके अलावा रंजीत सिंह प्रथम विश्व युद्ध में कर्नल पद पर अंग्रेजों के लिए सेवा दे रहे थे, लेकिन पलवांकर बालू ने भारतीय क्लब के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खेला था। 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थी, उसके एक वर्ष बाद 1906 में हिंदुओं और अंग्रेजों के बीच बॉम्बे ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल मैच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुओं ने 242 रन बनाए थे और अंग्रेजों को 191 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दूसरी पारी में हिंदुओं को 160 रन पर ऑल आउट कर दिया गया, जिससे अंग्रेजों को 212 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में पलवांकर बालू ने 5 विकेट लिए और अंग्रेजों को महज 102 रन पर ऑल आउट कर दिया और हिंदुओं को एक शानदार जीत दिला दी। स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था और इस जीत ने भी आजादी के माहौल में जोश भर दिया था। 1911 में ऑल इंडिया टीम पहली बार इंग्लैंड खेलने गई थी। ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण था। हालांकि भारतीय टीम इंग्लैंड में 10 मैच हारे थे और सिर्फ 2 मैच ही जीत सके थे, लेकिन पलवांकर बालू का योगदान शानदार रहा था। उन्होंने निजी तौर पर 12 मैचों में कुल 114 विकेट लिए थे और बल्ले से भी 376 रनों का योगदान दिया था। बालू के इस प्रदर्शन को पूरा देश में सराहा गया था। राष्ट्रवाद के नजरिए से भारतीय क्रिकेट का पिता रंजीत सिंह नहीं बल्कि पलवांकर बालू ही थी, परंतु जातिवाद ने उनसे ये सम्मान छीन लिया। रंजीत सिंह के नाम से रणजी ट्रॉफी नहीं बल्कि पलवांकर ट्रॉफी होना चाहिए। उस समय देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी पलवांकर बालू को जातिवाद के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैच में ब्रेक के दौरान उन्हें पवेलियन से दूर बाकी खिलाड़ियों से अलग मिट्टी के कप में चाय दिया जाता था। एक दलित समुदाय के सेवक के द्वारा उन्हें पानी दिया जाता था और भोजन के समय अलग मेज पर खाना दिया जाता था। फिर भी इन कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए पलवांकर बालू ने देश के लिए अपना एक तरफा योगदान दिया। बता दें कि पलवांकर बालू 4 भाई थी और बालू के ही दम पर बाकी 3 भाई विठल, गणपत और शिवराम भी क्रिकेट में ही आ गए थे। इसमें से विठल एक शानदार बल्लेबाज था। 1911 के इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पहली बार भारत के लिए शतक लगाया था। विजय मार्चेंट जैसे खिलाड़ी भी विठल को अपना हीरो मानते थे। 1923 में पहली बार विठल हिंदुओं की टीम के पहले दलित कप्तान बने। यह उनके लंबे संघर्ष का नतीजा था, क्योंकि उस समय सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही टीम के कप्तान होते थे। छुआछूत भेदभाव और संघर्ष करके दोनों भाई बुलंदी पर पहुंचे थे, लेकिन इन दोनों नायकों को जानबूझकर गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया। बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी पलवांकर बालू को एक महान व्यक्ति मानते थे और 1930 के जमाने में अंबेडकर जी उनके बारे में लोगों को काफी बातें बताते थे। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी रंजीत सिंह के नाम से, देवधर के नाम से देवधर ट्रॉफी और सीके नायडू के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कालक्रम और प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो पलवांकर बालू रंजीत, देवधर और नायडू से पहले आते हैं। फिर भी उनके नाम पर न तो कोई ट्रॉफी और न ही पुरस्कार दिया जाता है। बता दें कि क्रिकेट छोड़ने के बाद पलवांकर बालू ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। हालांकि अपने टैलेंट से क्रिकेट में जो उन्होंने बड़ा नाम कमाया था, उस नाम को जानबूझकर गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया। तो ये थे भारतीय क्रिकेट के पहले नायक की कहानी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और आप भारतीय क्रिकेट का पिता किसे मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तथा क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह के रोचक और अनसुने किस्सों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें खेल टीवी को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।